आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बिहार में विधानसभा चुनाव निपट गए, नई सरकार का गठन भी हो गया है। राजनीति में आमतौर पर जो नए समीकरण बनते हैं वो चुनाव के पूर्व बनते हैं, लेकिन बिहार में सरकार बनने के बाद एक नया राजनीतिक समीकरण बनने जा रहा है, बल्कि यूं कहें इसके बनने के आसार दिख रहे हैं। क्या है ये समीकरण और मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में इसकी क्या अहमियत होगी, इसके बारे में तसल्ली से बताएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं कुमार केशव और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर पॉडकास्ट, यानी वो पॉडकास्ट जो किसी न किसी मायने में खास है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम किसी टॉपिक पर एक एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि आपको उस विषय में तसल्ली बख्श जानकारी दे सकें। तो आज हमारे जो मेहमान हैं उनका नाम संतोष सिंह है। आप एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार के असिस्टेंट एडिटर हैं, बिहार की सियासत की गहरी समझ रखते हैं, निकट भविष्य में आपकी एक किताब भी आ रही है, जेपी टू बीजेपी। तो संतोष जी से आज जो हम बात करेंगे वो बिहार की राजनीति के एक सशक्त हस्ताक्षर के बारे में करेंगे, जो वक्त के साथ राजनीतिक रूप से क्षीण होते चले गए, लेकिन उनकी अपनी एक मजबूत पहचान है। पिछले चुनावों में उनकी पार्टी के खाते में सीटें भले ना आई हों, मगर एक वर्ग विशेष में उनकी पकड़ है, पैठ है और ठीक ठाक जनाधार है। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की। हाल के समय में उनकी राजनीतिक गतिविधियां क्या रहीं और इसके मायने क्या हैं। तो शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। संतोष जी, मेरा पहला सवाल ये है कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो घाट घाट का पानी पी चुके हैं, कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन, कभी अकेले तो कभी ओवैसी के साथ थर्ड फ्रंट बनाकर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन नतीजा वही रहा, ढाक के 3 पात। अब कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की घर वापसी हो रही है, यानी कि वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में जा रहे हैं, और जा ही नहीं रहे बल्कि अपनी पार्टी का विलय करने जा रहे हैं। तो ये अटकलें लगनी क्यों शुरू हुई और इनमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कुशवाहा जी की पॉलिटिक्स फुल सर्किल कंप्लीट हो गई। उन्होंने जब नीतीश कुमार, आपको याद होगा, नीतीश कुमार ने जब उनको लाया था 2004 में, जब जदयू और समता पार्टी का विलय हुआ था, जदयू बनी थी, तो एक सीट ज्यादा हो गया था नीतीश कुमार को बीजेपी से, तो सुशील मोदी को हटा करके लीडर ऑफ अपोजिशन कुशवाहा को बनाया गया था। तो इस चीज में पता चल गया कि कुशवाहा की पॉलिटिक्स क्यों इम्पोर्टेंट है। इनकी लव कुश जो की कैमराडरी है, जो दोस्ती है, वो एक अच्छा खासा वोट है कोई कुर्मी का ओबीसी में, तो उन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो नीतीश कुमार को लगा वो कंसोलिडेट होगा। फिर वो अपनी महत्वाकांक्षा के कारण नीतीश कुमार की तरफ से भी कुछ बातें हुई होगी, अलग हुए, फिर वापस आए, चले गए। कुशवाहा ने सब कुछ ट्राई किया, एनसीपी के साथ गए, अपने खुद अकेले लड़े, एनडीए के साथ रहे, ग्रैंड अलायंस के साथ रहे, तो कहीं वोट तो लाते थे लेकिन वो सीट में कन्वर्ट नहीं होती थी। इस बार की कमोबेश वही स्थिति रही, इनके अलायंस में सिर्फ एआईएम आईएम ने अच्छा किया, उनका एक इंडिपेंडेंट अपना प्रेजेंस था, बीएसपी ने एक सीट लाया, लेकिन इनका अगर आंकलन करेंगे, हमेशा जो है रिजल्ट जो है ना, हमें पूरी कहानी नहीं कहता है, एक भी सीट नहीं आया, लेकिन आप देखेंगे लगभग 30 से 40 सीट पर 10,000 से इन्होंने 40,000 वोट लाए होंगे। तो वो वोट जदयू का भी कटा, खास करके मगध क्षेत्र में, शाहबाद के क्षेत्र में, भोजपुर वाले बेल्ट में जहां कम आया, तो इसने डैमेज किया। जहां की एक माले और राजद के साथ आने से एक कन्वर्जन रेट बेटर हो जाता है, इनका कन्वर्जन रेट अलग रहने से खराब है। तो इनको, नीतीश कुमार को खुद कमजोर है, अभी कुशवाहा के पास अब ऑप्शन नहीं है, कहां जाएंगे, 60 की उम्र उनकी भी हो गई है, अब कितनी पॉलिटिकल लाइफ बची हुई है, कितना कर सकते हैं। और नीतीश कुमार को भी लग रहा है कि ये आ जाएंगे तो हमारा एक सेकंड लाइन में एक नेता रहेंगे, ये ऑब्वियसली नंबर 2 हो जाएंगे। तो इनके आने के बाद एक चीज होगी कि पार्टी में, जैसा मैंने कहा कि सेकंड लाइन मिलेगा, और ये शिक्षा मंत्री भी बन सकते हैं, एजुकेशन इनका पेट काउज रहा है, तो एक बात चल रही है कि MLC बनाकर इनको शिक्षा मंत्री बना सकता है। दूसरा थ्योरी ये है कि इनकी पत्नी भी पब्लिक लाइफ में पहली बार 2 दिवसीय जो हाल में अभी समीक्षा बैठक हुई उसमें बोली, स्नेहलता सिन्हा, पहली बार ऐसा हुआ है, तो उससे भी एक हिंट आता है कि हो सकता है कुशवाहा जी अपने पद पर बने रहें और अपनी पार्टी में, और ये उनकी तरफ से MLC बन जाए। तो अभी 2-3 राउंड की बातचीत हो गई है और होनी है, क्लैरिटी नहीं है, मर्जर का भी प्रपोजल है,
तो मर्ज तो नहीं करेंगे कि एक बार आप मर्ज करेंगे तो आपकी बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाती है, लेकिन हमको लगता है कि उनका जदयू में वापस आना जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम है, अब कभी भी आ सकते। आपने जेडीयू में सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार करने की बात कही, मेरा अगला सवाल यही था कि अभी जो चुनाव हम सब ने देखा उसमें जेडीयू का प्रदर्शन जो रहा वो उम्मीदों से ख़राब रहा। हालांकि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे, लेकिन राजनीतिक रूप से उनका जो वजूद है वो छोटा हुआ है। तो क्या कुशवाहा के जरिए नीतीश कुमार अपनी खोई हुई जमीन की तलाश में हैं, और क्या उन्हें वो जमीन मिल पाएगी? पूरी तरह से तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक जो उनका लव उसका कम्बिनेशन था वो तो स्ट्रांग होगा ही। वो करीब करीब जो भी है, अब उस तरह से अभी ये आकलन नहीं हुआ है कि कितना एग्जैक्ट परसेंटेज है, लेकिन लगभग दोनों मिला करके 8-9% तो है ही बिहार के स्टेट पॉपुलेशन का। उसके बाद फिर वो अलग से EBC पॉलिटिक्स करते हैं, महादलित पॉलिटिक्स करते हैं, तो कंसोलिडेशन होता है। लेकिन ऑप्शन नीतीश कुमार के पास भी अब नहीं है, कुशवाहा के पास भी ऑप्शन नहीं है। जब दो आदमी दो कमजोर हो गए तो साथ में मिलकर के थोड़ी सी मजबूती कहीं ना कहीं देखेंगे। अब उनको भी लग रहा है कि अब RJD वर्सेस BJP की पॉलिटिक्स होनी है। इस बीच में हम जेडीयू का पॉलिटिकल लाइफ को कितना लंबा कर सकते हैं? हो सकता है कि जेडीयू 2025 में कहे कि कुशवाहा जी हमारे चेहरा फेस होंगे, उस हिसाब से सोच सकते भी। तो उस हिसाब से देख रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करने के लिए तो कुशवाहा कार्ड को खेल रही है जेडीयू। आपने कहा 2025 के चुनाव में मुमकिन है कि जेडीयू उपेंद्र कुशवाहा को CM कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकती है, हालांकि ये तो अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन क्या अभी जेडीयू में कुशवाहा की स्वीकार्यता होगी? नीतीश कुमार के जो हसबखा माने जाते हैं नेता RCP सिंह और ललन सिंह, क्या उनकी कुशवाहा से बनेगी? क्या वे कुशवाहा को उस तरीके से स्वीकार कर पाएंगे और यूं कहें कि तवज्जो दे पाएंगे? ये देखिए, ये पूरा डिसीजन नीतीश कुमार लेते हैं। नीतीश कुमार अगर निर्णय कर चुके हैं, जैसा कि मुझे लगता है वो कर चुके हैं, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो आपको सही जो आपने दो नाम बोले उसमें RCP सिंह को ऑब्वियसली वो डिफेक्टो नंबर 2 वही रहे हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक उनका एक स्ट्रेटजी में पार्टी के संगठन में उपयोगिता हो सकती है। वो पॉलिटिकल लीडर नहीं है, कुशवाहा पॉलिटिकल लीडर है। इनका एक इलेक्टोरल वैल्यू है, उस इलेक्टोरल वैल्यू को नीतीश कुमार समझ सकते हैं। ये प्रशांत किशोर नहीं है कि आएंगे और उनके रास्ते में बाधक बनेंगे, तो इस चीज को RCP सिंह भी कहीं ना कहीं समझते होंगे, उनको ये चीज लगता होगा। लेकिन एक सांगठनिक रोल बदल दिया जाएगा, और जरूर कुशवाहा जी अपनी महत्वाकांक्षा से समझौता करते हैं, और फिर वो एक तरह से दोनों के बीच में जो हो जाता था आपसी टक्कर और ईगो क्लैश हो जाता था, वो अगर नहीं होता है, थोड़े से कायदे से चलते हैं, तो हमको लगता है कि इस बार आएंगे, टिकेंगे भी, और अब जो भी बची कुची इनका भी मैंने पॉलिटिकल कैरियर है, तो हो सकता है कि अभी फिलहाल तो इनको MLC बन सकते हैं, मंत्री भी बन सकते हैं और शिक्षा मंत्री बन सकते हैं। अब देखिए, अब हमको नहीं लगता है कि दूसरे खेमे की ज्यादा चलेगी, क्योंकि वन मैन पार्टी में जब टॉप लीडर कुछ डिसाइड कर लेता है, और खास करके और जो लोग हैं उन्होंने भी कोई उपयोगिता तो अपनी साबित की नहीं। आपने जब 43 पर आपकी पार्टी सिमट गई, तो आप क्या कहेंगे? आपकी अपनी इंडिविजुअल उपयोगिता क्या है RCP सिंह की? उनको भी तो प्रूव करना पड़ेगा ना। हमको तो लगता है कि RCP सिंह थोड़े मार्जिनलाइज हुए हैं पार्टी में। बिहार चुनाव के जब नतीजे आए थे तो हमने आपके साथ एक छोटी सी समीक्षा की थी, तब बातचीत के दौरान एक बात निकल कर आई थी, वो ये कि नीतीश कुमार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे और BJP जो है उन्हें एक ग्रेसफुल एग्जिट यानी कि सम्मानजनक विदाई दे देगी, और देर सवेर जो JDU है वो पार्टी टूट जाएगी, उसका मर्जर जो है BJP में हो सकता है। तो कुशवाहा JDU की बजाय BJP में क्यों नहीं जा रहे, और ऐसे में जबकि BJP को भी लंबे अरसे से किसी पिछड़ी जाति से आने वाले बड़े चेहरे की तलाश है, तो क्या BJP की ओर से कुशवाहा को अपने पाले में खींचने के लिए प्रयास नहीं हो रहे? दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही क्या? नहीं, बातचीत नहीं हुई है। इलेक्शन के पहले जरूर उन्होंने प्रयास किया था कुशवाहा जी ने BJP का रूट को, लेकिन उसमें बात मन नहीं पाए थी। और अभी देखिए, इमीडिएटली ये तो दूर की बात आप लोग बोल रहे हैं, आपका जो पहला था कि मर्जर वो पॉसिबिलिटी नहीं है। वो ये हो सकता है कि अब केंद्र में जाते हैं तो पार्टी टूट जाती है, वो बात की बात, तो कुछ लोग BJP में आ जाएंगे, कुछ लोग राजद में चले जाएंगे, तो पार्टी का जैसे भी खंडन होता है उस तरह हो सकता है, लेकिन वो अभी दूर की बात है। कुशवाहा के लिए जाति समीकरण के हिसाब से नीतीश कुमार का ऑप्शन बेटर ऑप्शन है। नीतीश कुमार को भी लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन होगा,
तो वन स्टेप एट ए टाइम, बीजेपी के साने के जाने बाद कुशवाहा की जो लवकुश वाली उपयोगिता वाली बात है वो ज्यादा नीतीश कुमार के साथ ज्यादा बार्गेन कर पाएंगे राधर देन की आप, क्योंकि बीजेपी में बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, उस ब्लॉक में ये एक ब्लॉक होकर के रह जाएंगे, यहाँ इनके पास आएंगे तो फिलहाल तो अभी बीजेपी के पास देने के लिए क्या है, अभी वो भी खैर एमएलसी कोटे से एमएलसी बना सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार उनको ज्यादा सूट करेंगे टेम्परामेंटली, नीतीश कुमार के वो प्रोटीज रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे की पॉलिटिक्स को समझते हैं और दोनों को एक दूसरे को जरूरत है, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर कुशवाहा जी की नीतीश कुमार के साथ ज्यादा है। अच्छा, मैं पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार ने कैसे उनका सरकारी आवास खाली कराया था और उनके साथ जो सलूक किया था उससे इन दोनों नेताओं के रिश्तों में काफ़ी खटास आ गई थी। तो क्या ये दोनों नेता इस पुरानी तलखी को भुलाकर एक बार फिर से साथ मिलकर काम कर पाएंगे, क्या कहता है आपका आकलन? राजनीति में कोई तलखी परमानेंट नहीं होती है, इतना तो आप मान लीजिए, चाहे कि घर से निकाला हो या कुछ किया हो या कुछ अपशब्द का इस्तेमाल किया हो, एक से एक दो ध्रुव वाले लोग सब एक साथ आ जाते हैं, तो वो तो पुरानी बात हो गई, वो तो कब का भूल दोनों ने नीतीश कुमार बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं वो एक तरह से न्यूएंसेस होता है, एक मैसेज देने का तरीका होता है, उसको आप जो व्याख्या कर सकते हैं उसको गलत बोल सकते हैं जो बोलना है, लेकिन नहीं लगता है कि हम नीतीश कुमार आ गई है, अगर तो कुशवाहा जी साथ आ जाएंगे तो ये उनको कहेंगे देखिए आप हमेशा एजुकेशन आपका इम्पोर्टेंट ये एक मुद्दा रहा है उस पर बोलते रहे हैं, चलिए विभाग संभालिए और अच्छा करके दिखाइए, ये लाइन ऑफ थिंकिंग हो सकती है नीतीश कुमार की। दूसरा है कि उनको लगेगा कि हम राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, हम राज्यसभा में रहे हैं, लोकसभा में रहे हैं, हम एमएलसी कहीं बने क्यों बने, तो अगर वो लाइन रहेगा उस स्थिति में हो सकता है बन जाए, ये दो बातें हो सकती। तो ये तो थी उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ी संभावनाएं और उनकी बातें, अभी इसमें आगे क्या मोड़ आते हैं, क्या कुछ होता है, आपसे हम बातचीत करते रहेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे बिहार की राजनीति पर गहरी समझ रखने वाले पत्रकार संतोष सिंह। हमने इनसे उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू में जाने की अटकलों और उससे जुड़ी कुछ पहलुओं पर बातें की। आपको ये बातचीत कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। इसके अलावा आप किस विषय पर पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, कोई सलाह हो या कोई शिकायत हो वो भी लिख भेजिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। अब मुझे यानी कुमार केशव को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाए तो क्या बनता है, दो तारा। मैं हूँ चिन्मयी और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं सुनाते हैं कविताएं, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा दो तारा सिर्फ आज तक रेडियो पर।